एचयूटी संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पे हैदराबाद से भोपाल आ गए 5 संदिग्ध आतंकी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से पुष्टि की गई है। सभी को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया है और एटीएस 5 संदिग्ध आतंकियों की रिमांड मांगेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त हम आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से। आपको बता दें कि 5 संदिग्ध आतंकियों को हैदराबाद से भोपाल लाया गया है और 5 को कोर्ट में पेश किया गया है और रिमांड की मांग की जाएगी। इसकी पुष्टि खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से की गई है। तो देखिए, आए दिन लगातार एटीएस की तरफ से ये शिकंजा कसता जा रहा है और एक के बाद एक संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बीते दिन 10 युवकों को, जिनके कनेक्शन कहीं ना कहीं एचयूटी से है, उनको भी पेश किया गया था और कल एक शख्स को पेश किया गया था और आज देखिए 5 आतंकी, संदिग्ध आतंकी, जिन्हें हैदराबाद से भोपाल लाया गया और उसके बाद से देखिए यहाँ पे एटीएस की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया है पूरी सिक्योरिटी के साथ। तो लगातार देखिए पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, एटीएस एक्शन मोड में और ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। देखिए उन निशानों पर, उन जगहों पर टारगेट किया जाता है जहां पर लोग इनोसेंट होते हैं, जहां पर लोग अवेयर नहीं होते हैं, उन जगहों पर ये एचयूटी की तरफ से फोकस किया जाता है। शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, उन्हीं से पूरी जानकारी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या अपडेट, क्या इन 5 को कोर्ट में पेश किया गया है, रिमांड की मांग यहाँ पर एटीएस की तरफ से की गई है। कुल दीपिका, बात की जाए तो एचयूटी के आतंकियों को इस वक्त कोर्ट के अंदर पेश कर दिया गया है और जो हमारे पास अंदर से जानकारी निकलकर सामने आई है, एटीएस ने इन सभी की रिमांड मांगी है। 5 के 5 संदिग्धों की रिमांड मांगी गई है क्योंकि इनको पूछताछ करना है और कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। इसी के कारण इन तमाम संदिग्ध आतंकियों की इस वक्त एटीएस ने रिमांड मांगी गई और पूरी उम्मीद यह है दीपिका के कोर्ट रिमांड दे भी दे देगा। और इसके पहले की बात की जाए तो इससे पहले जिस जज के पास पेश किया गया था, दो बार अब तक के पेश किया जा चुका है संदिग्ध आतंकियों को, जो भोपाल से गिरफ्तार किया गया तो उनको परसों किया गया था, कल छिंदवाड़ा वाले को गिरफ्तार करके लाया गया था, उनको पेश किया गया था, तो वो अलग रघुवीर दास की कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन बताया जा रहा रघुवीर दास आज छुट्टी पर, इसके कारण दूसरी कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन अब देखना होगा कुछ देर के बाद यह साफ हो जाएगा कि रिमांड मिली है कि नहीं मिली है दीपिका। लेकिन एटीएस की तरफ से रिमांड मांगी गई है कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट के अंदर एटीएस ने यह पक्ष रखा है कि कई ऐसी चीजें निकल कर सामने आई है, क्योंकि हम पिछले 3 महीने से इनकी रेकी कर रहे थे, इनकी जानकारी जुटा रहे थे और अब जब पुलिस एटीएस की पूछताछ होगी तो कई अहम महत्वपूर्ण खुलासे होंगे। तो इसी के कारण अभी की बात की जाए तो एटीएस ने रिमांड मांगा और हमें पूरी उम्मीद है जो कोर्ट के अंदर की चीजें निकल कर सामने आ रही, रिमांड बिल्कुल मिलेगा एटीएस को और पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे होंगे दीपिका। ठीक है,